स्वागत है दोस्तों आपका तुर्काज ओरिजिनल चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें और वीडियो के एंड में बाकी वीडियोस पे भी ज़रूर नज़र मार लें एक बार। दोस्तों आज की वीडियो है हमारे कैनेडा के वीज़ा के रिगार्डिंग के हमें जो अकाउंट चाहिए होता है तो आज उसके बारे में बात करेंगे। वैसे हम दो तरीके से अप्लाई दो जगह अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का वीज़ा, डायरेक्ट कनाडा की इमिग्रेशन पे और दूसरा है VFS पे। अगर आप VFS से करना चाहते हो तो उसके VFS के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कनाडा एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप ऑन पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट प्रोसेस चाहिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट पेपर एप्लीकेशन से जल्दी आ जाता है और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। आज उसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है जिसे ये सारे काम हो सकते हैं। आप सारी तरह की एप्लीकेशन आउटसाइड कनाडा और इनसाइड कनाडा उसी के ज़रिए कर सकते हैं। ये सभी तरह के वीज़े आप सिर्फ़ एक ही अकाउंट से ले सकते हैं, वो है जीसी की। जीसी की से आप सभी तरह की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। कनाडा के लिए सबसे ज़रूरी अकाउंट है अगर आप डायरेक्ट कनाडा इमिग्रेशन में अप्लाई करना चाहते हो, तो आज उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों गूगल पर, आपने सर्च करना है cic.gc.ca, ये कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे जैसे ही, तो ये सारी तरह के भी आप जो भी इसके अंदर देख रहे हैं सारी तरह की कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको माई एप्लीकेशन के अंदर जाना है और साइन इन और क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है क्योंकि हमें अकाउंट बनाना है अपना। तो इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, साइन इन विद जीसी की और साइन इन विद विद पार्टनर। पार्टनर का मतलब है ये है कि जैसे आपका कोई कनाडा के अंदर बैंक अकाउंट है उसके उसकी डिटेल्स के साथ आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन वो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें इंडिया से करना है। तो उसके लिए हमें रजिस्टर विद जीसी की के ऑप्शन पर जाना है और रजिस्टर करना है जीसी की, जैसे कि आ रहा है रजिस्टर विद जीसी की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जैसे आम हम किसी भी सोशल अकाउंट वो बनाते हैं, सोशल आईडी बनाते हैं किसी भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वैसे ही इसकी आईडी बनती है। आपको आई एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है जैसे हम इंस्टाग्राम पे करते हैं। कोई भी आप यूज़र नेम दे सकते हो जो आपको याद रहे। सिक्योरिटी के लिए आपको पता ही ब्लर कर, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। ये वे भी वो पासवर्ड दे सकते हैं जो आपको याद रहे। उसके बाद आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सारे आपके अंदर क्वेश्चन हैं जो अगर कोई आप फॉर पासवर्ड भूल जाते हैं या यूज़र नेम भूल जाते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करके। तो ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी तरह से याद रहे। उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो आपको ज़रूरी भरना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी भर लें। आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। ये साइन अप हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें अकाउंट के अंदर और डिटेल्स ऐड करेंगे तो ताकि हमारा कंप्लीट अकाउंट बन जाए। फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना नाम और ईमेल एड्रेस और आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इसके अंदर कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको देखना चाहते हो अकाउंट को। हमारे तो इंग्लिश हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, फ्रेंच नहीं आती, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। ये फिर से सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको सारे के सारे भरने पड़ेंगे।
आप जो भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने तरीके से बना के इसको अपने तरीके से आंसर करके वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये अकाउंट कंप्लीट है जी। इसके अंदर से आप वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन, विजिटर वीज़ा सभी तरह के एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हो, और जो भी आपके कनाडा की तरफ से रिवर्ट होगा, आंसर आएगा, वो आप यहीं से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये अकाउंट आज के लिए वीडियो जो थी इस अकाउंट के लिए थी, ये अकाउंट बहुत ज़रूरी है अगर आप कनाडा जाना चाहते हो। और आने वाली वीडियोस भी आएंगी वर्क वीज़ा तो नहीं, विजिटर वीज़ा और स्टडी वीज़ा पे, वो हम आपको इसी के ऊपर से अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके लिए चाहिए। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। हर वेडनेसडे वीडियो आती है।